नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हालचाल। आज का वीडियो में मैं थोड़ा सा एक अपडेट देना चाहता हूँ कि मैंने जो है लखनऊ का जो मीटअप किया था वो मैंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल मैंने क्यों किया ये आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारे दो भतीजा भतीजी आए हैं और उनका एग्जाम है 8 तारीख को। ठीक है, और हमने जो है 9 तारीख को, 8 तारीख को उनका एग्ज़ाम था, फिर 9 तारीख को हमको जाना था अमृतसर। अमृतसर में बाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल, ये 3 चीज़ें देखना था। होटल भी हमने बुक कर लिया था। ठीक है, तो 7 तारीख को हमने बुक कर लिया था सब कुछ, चलो चलेंगे। नहीं, 6 तारीख को ही कर लिया था, हमने आते ही बुक कर लिया था सब कुछ। फिर 7 तारीख को अन्या को हो गया थोड़ा प्रॉब्लम। जब हम दिल्ली से आए तो अन्या थोड़ी सी कमज़ोर सी लग रही थी, लेकिन हम तो पानी वानी पिला रहे थे बराबर। पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा हीट लग गया है उसको, तो हम जो है इलेक्ट्रॉल का पाउडर और ये सब गेटरोटे एक आता है उसका वाटर हमने देना शुरू किया। लेकिन बाद में उसके 7 तारीख को उसको जो है अच्छा खासा उल्टी होने लगी, दस्त होने लगा, फीवर भी आ गया। तो 12-13 घंटा तक तो हमने ऐसे ही देखा, मैंने ऑब्जर्व किया खुद से जो हमने हमारे पास बुखार की जो दवाइयाँ थी उसको दिया, ये देख करके कि क्या पता कुछ सही हो जाए। लेकिन 12 घंटे के बाद अगले दिन सुबह भी उसको उल्टी और दस्त जारी रहा, तब मुझे लगा थोड़ा सा सीरियस है। तो वो दिन था 7 तारीख, तो 7 तारीख को हम सब जो उसको ले गए हॉस्पिटल, भर्ती कराए। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बोला उसको फूड पॉइजनिंग है। तो फूड पॉइजनिंग कहाँ से हुआ कैसे हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हम सब बाहर से निकले हैं तो खा पी रहे हैं, दिल्ली में भी खाए पिए थे, और दिल्ली से चंडीगढ़ आते समय जो रास्ते में ट्रेन था ट्रेन में भी खाना मिला था, तो हम सब ट्रेन में भी खाए थे। अब कहाँ से उसको कैसे प्रॉब्लम हुई मुझे पता नहीं, लेकिन कुल मिला जुला के उसको फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो मामला था थोड़ा सीरियस, तो मुझे लगा कि इस चीज़ को हमने सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में हमने भर्ती करवाए। और इस डॉक्टर साहब ने जो हमें जिस अस्पताल में गए थे वहाँ अस्पताल बहुत ही अच्छा था, छोटा क्लिनिक है, और डॉक्टर बहुत अच्छे थे, नर्स बहुत अच्छी थी, फैसिलिटी बहुत अच्छा, उन्होंने इलाज बहुत अच्छे से किया। और 2 बोतल उन्होंने पानी छड़ाया, एंटीबायोटिक्स दिया अन्या को, और उसी दिन उन्होंने छोड़ भी दिया, और उन्होंने बोला था 24 घंटे बाद फिर से दिखा लेना, जो अभी मैं लेके नहीं गया हूँ। तो अभी तारीख हो गया अगले दिन 8 तारीख, तो 8 तारीख को हमारा जो भतीजे भतीजियों का एग्ज़ाम था वो लोग चले गए। फिर मुझे लगा कि अगर 8 तारीख को अन्या सही भी हो जाती है तो 9 तारीख को हमें सवेरे जाना था अमृतसर। मुझे लगा नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसको रिकवरी में भी तो समय लगेगा। हाँ कहाँ, अच्छा ठीक है, अनु कह रहा कि जल्दी वीडियो बनाओ कि नीचे चले जाना है। अब मुझे ये भी डर लग रहा था कहीं अभी अन्या को हो, कल के अनु को हो, या मुझे हो, या विभाग हो, या फिर हमारे साथ 2 लोग जो आए उनको भी हो। इस वजह से तो ध्यान में रखते हुए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैं अमृतसर नहीं गया। तो हमने जो है ट्रेन का कैंसिल कर दिया आना जाना, होटल जो बुक किए थे उसका भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्लान करके हम आए थे अमेरिका में कि हम आगरा चलेंगे, ताजमहल देखेंगे, और अमृतसर चलेंगे, गोल्डन टेम्पल देखेंगे। दोनों जगह बच्चों का बहुत बड़ा मन था, हम सबका तो हो जाता है इतने गर्मी में, लेकिन बच्चों का बहुत ख्वाहिश था वहाँ दोनों जगह जाने का। और अमृतसर वो इसलिए भी जाना चाह रहे थे क्योंकि उसको एक हिंदी टीचर है अमृतसर की है, तो उसने फ़ोटो वोटो मुझसे दिखा दिया था गोल्डन टेम्पल, तो इसलिए वो काफ़ी इम्प्रेस थे, तो इसलिए मैंने वहाँ जाना चाह रहा था इतने बिजी शेड्यूल में, लेकिन हम जा नहीं पाए, कैंसिल कर दिए। उसके बाद अभी अन्य ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। और उसके बाद हमारा 10 को हमको जाना था लखनऊ, 11 को हमारा मीटअप था वहाँ पे। ठीक है, तो फिर मुझे लगा कि अगर हम अन्य कुछ छोड़ के तो हम जा सकते हैं। हाँ चल रहे हैं ठीक है। तो फिर मुझे, मैं चाहता तो अन्य को छोड़ करके लखनऊ जाके मीटअप कर सकता था, फिर मुझे लगा कि हम अपने परिवार को इसके भरोसे, मतलब तुम तो अकेले कर लोगी सब कुछ, मुझे भरोसा है, लेकिन मुझे लगा अकेली में पड़ जाए, इसलिए जो है इसको भी तो कोई होना चाहिए ध्यान देने वाला ना। तो हमारे घर का नियम ये है कि सारे बच्चों का ख्याल रखती है, मैं इसका ख्याल रखता हूँ, ऐसे चलता रहता हूँ, मेरा कोई नहीं ख्याल रखता है। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है उचित समझा कि परिवार को, हमने कहा परिवार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लखनऊ कैंसिल कर दिया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और इसके लिए मैं कुछ लखनऊ वासियों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा Q&A जब मैं अमेरिका पहुंच जाऊँगा तब,
ठीक है, आपसे जो भी प्रश्न होगा डिटेल में लिखिए, उसका जवाब का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, तो यही कारण है कि हम जो है लखनऊ में मीटअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अन्या ठीक हो गई है, अन्या अभी ठीक है, थोड़ा वीक है और खा पी रही है, एक दो दिन लगेगा और रिकवरी होने में उसको। और ये विवाह का मैं घर है, विवाह के छत पर से वीडियो बना रहा हूँ और आप देख सकते हैं वहाँ पे कौन सा पहाड़ है भैया, ये शिवालिक शिवालिक पर्वत है, पर्वत हिल्स, ओके, शिवालिक हिल्स है शिमला, आप यहाँ से देख सकते हैं, मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन गुड़िया ने हमको कभी नहीं कहा चलो तुम्हें शिमला घुमा लाएं, यहीं पर जबकि यहीं बगल में ही, मैं सोचूं तुम निकलो तो फिर मैं जाऊँगी। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम सब अमेरिका से आओ अपने गाँव जाओ, कहाँ तुम दिल्ली बम्बई कलकत्ता घूम रहे हो। ठीक है, उसका जवाब ये है कि हम डायरेक्ट चंडीगढ़ इसलिए आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं, नंटी भैया का पेपर है। हाँ, क्योंकि नंटी भैया का पेपर था, जो कैमरामैन है, कैमरामैन का चेहरा दिखाओ, ये दाढ़ी वाले बाबा हैं, इनकी भी शादी नहीं हुई है, इनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, अगर आपके नज़र में कोई लड़की हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें। ठीक है, और इनका एग्ज़ाम था। दूसरी चीज़, हम डायरेक्ट घर इसलिए में नहीं जाना चाहते हैं कि उसके बाद एक बार विवाह के घर आना ही आना है, तो मैं सोच रहा था शुरू से निपटा दूँ इसका घर, फिर हम चलेंगे तो वहाँ से पूरा एंजॉय करेंगे। दूसरा है जेट लॉग, ये कुछ सही भी है, जेट लॉग का मतलब होता है कि जब इंडिया में दिन होता है तो वहाँ रात होता है, वहाँ रात होता है या दिन होता है, तो जब यहाँ दिन होता है हमें बहुत नींद आती है, और गांव में होता है बहुत लोग मिलने वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिलने वाले आते हैं, अब पता लगा आ रहे हैं, अभी सर पकड़ के बैठे हैं, पता लगा भैया क्या हो गया, इनको बोल नहीं रहे, क्या हुआ, इनको नींद आ रही है, लोगों को समझाओ, लगे भाव खा रहे हैं, कुछ लोग लगेगा कि अमेरिका का कि भाव खा रहे हैं, इसलिए मैं जो है इधर से आता हूँ, 4-5 दिन रुकता हूँ, तब तक मेरा जेट लैग सही हो जाता है, तब मैं उधर से जाता हूँ। और दूसरा कारण यह है कि जब भी मैं सोचता हूँ अपने घर से निकलूँ तो सीधा अमेरिका जाऊँ, ना कि गुड़िया के घर आऊँ फिर ये वो। ठीक है, आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि हम लखनऊ का मीटअप क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको आपसे क्षमा मांगते हैं। और हम बनारस आएँगे सेम टाइम पर, शायद 16 तारीख को हम आ रहे हैं बनारस, और उसका डिटेल इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, कहाँ आना है, कैसे आना है, आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा PHU में मेरा एक साइंटिफिक टास्क है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में है ना, सेंटर फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर डिपार्टमेंट में मेरा एक टास्क है 17 तारीख को, टाइमिंग मुझे पता नहीं है, अगर जिसको सुनना हो हमारा टास्क वो आ सकते हैं। बाय बाय। इस क्लिनिक में हम सब जो है कितना साल हो गए, 4.5 साल पहले आए थे, 4.5 साल पहले आए थे, अन्या को सर में चोट लग गई थी और कुर्सी से गिर गई थी, और हम सब यहीं से पट्टी बन गए, वो 26 जनवरी ये है अन्य, जब हम यहाँ से 4.5 साल पहले आए थे। क्या करो, अमीर होने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तोड़ो ठीक है, थैंक यू अब्दी, तो रुक जा और ऊपर Money. You got the money. Yeah. We have so much. Anya, पीछे. Oh,